स्टेप स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर हम किसका भाग दे रहे हैं, 25 का, किस में, 14 में। 25 का भाग हम कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या क्या हो, 25 से बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो फिर क्या करें, इसको बड़ा बनाएं, कैसे, कितना बन गया, 140। अब हम 25 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 140 से बड़ा ना आए। देखिए 25 को हम 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 100। 25 को हम 5 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 125। माइनस किया, कितना आ गया, ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो आपका जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे कम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये आपका 25 से कम है, इसका मतलब ये हमने भाग सही किया है। ऐसे साथ ही साथ अपना भाग चेक भी कर सकते हैं, पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 आ जाएगा। 5 संग 30, 3 के लिए आ गया, 12 और 3 15। भाग पूरा हो गया, ये आपका क्या है, भागफल है।